जय हिंद दोस्तों क्लास ट्वेल्थ में मॉडर्न फिजिक्स से आपको ऑब्जेक्टिव भी बताने जा रहे हैं जो क्लास ट्वेल्थ इस बार फाइनल एग्जाम देगा 2023 में उसके लिए बहुत ही मोस्ट वी वी आई क्वेश्चन है दोस्तों मॉडल पेपर आप बना चुके होंगे और इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा शत प्रतिशत आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा देखिए एक्स कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जेड है द्रव्यमान संख्या ए है उससे एक अल्फा का क्षय होता है यानी एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो जाता है तो अल्फा कण का उत्सर्जन होने से क्या होगा तो दोस्तों अल्फा कण के उत्सर्जन होने से परमाणु संख्या में दो की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में चार की कमी होती है क्योंकि कण जो होता है वह हीलियम नाभिक होता है तो देखिए दो नीचे घटना चाहिए और चार ऊपर घटना चाहिए और हीलियम नाभिक होना चाहिए तो देख लीजिए इसका सही जवाब आपको ये है क्योंकि नीचे में दो घटा है ऊपर में एक घट गट, चार घटा है और हीलियम नाभिक आपका ये है ठीक है इसमें देखिए दो बढ़ गया है नीचे में इसलिए ये तो नहीं ही होगा इसमें दो नीचे बढ़ा घटा है लेकिन ऊपर में चार बढ़ गया है और इसमें दो नीचे भी बढ़ गया चार ऊपर भी बढ़ गया इसलिए इसका सही जवाब जो है ए नंबर सही है अल्फा कण के उत्सर्जन होने से जो है परमाणु संख्या में दो की कमी और द्रव्यमान संख्या में चार की कमी होती है जबकि बीटा कण के उत्सर्जन होने से परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दूसरा नंबर को शे निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कण नहीं है बच्चों मौलिक कण कौन नहीं है देखिए न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है अल्फा कण है इलेक्ट्रॉन है देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है मौलिक कण है तो इसका सही जवाब होगा अल्फा कण अल्फा कण जो है वो मौलिक कण नहीं होता है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है तो दोस्तों सौर ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है क्या होता है नाभिकीय संलयन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित नाभिक में सबसे कम अस्थाई कौन सा होता है देखिए सबसे कम अस्थाई देखिए इसमें आपको हीलियम जो है सबसे कम होता है और सबसे अधिक जो होगा वो लोहा होगा ठीक है सबसे कम जो होता है वो क्या होता है हीलियम होता है और सबसे अधिक क्या होता है लोहा होता है नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जन होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है आपको अभी जस्ट बताएं कि अगर अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या दो घटेगा और द्रव्यमान संख्या चार घटेगा लेकिन अगर बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है गामा किरण के उत्सर्जन होने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है अल्फा के उत्सर्जन होने से दो और चार घटता है बीटा के उत्सर्जन होने से परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि गामा को उत्सर्जन होने से आपको ना तो परमाणु संख्या बदलता है और ना ही द्रव्यमान संख्या बदलता है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कैथोड किरण होता है <coughs> इसमें आपको चार ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोटोन तो कैथोड किरण रिरावेश किरण होता है जो कि इलेक्ट्रॉन से बना होता है इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन ठीक है बच्चों नाभिक का घनत्व कितना होता है बच्चों नाभिक का घनत्व जो होता है वो दो दशमलव दो नौ गुना दस का सत्रह किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है नाभिक घनत्व कितना होता है दो दशमलव दो नौ गुना का सत्रह किलोग्राम पर मीटर क्यूब अब देखिए इसमें रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है तो अर्ध आयु बराबर होता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन गुना औसत आयु इसका सही जवाब होगा ये अर्ध आयु बराबर होता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन गुना औसत आयु ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तेजी से चलने वाली बीटा किरण कैसा होता है तो बीटा किरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से बना होता है बच्चों इसलिए तेजी से चलने वाली बीटा किरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होगा ठीक है एक ए एमयू बराबर होता है बच्चों एक ए एमयू जो होता है वन पॉइंट सिक्स गुना दस के बाद मैंने सत्ताईस के जी होगा एक एमए कितना होगा 1.6 पॉइंट सिक्स गुना दस का माइनस सत्ताईस के जी गामा किरण की, की तरह कौन होता है तो बच्चों गामा किरण की, की तरह गामा जो था विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें कौन है एक्स किरण है एक्स किरण क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंग है ठीक है किरण की तरह होता है ठीक है क्योंकि एक्स किरण में कोई आवेश नहीं होता है गामा किरण में भी कोई आवेश नहीं होता अल्फा किरण धनावेशित होता है बीटा किरण ऋणावेशित होता है केठोर किरण भी ऋणावेशित होता है जबकि गामा किरण उदासीन किरण है इसलिए एक्स किरण की तरह ही होता है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है तो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए आपको है टी ए मतलब हुआ क्या औसत आयु और औसत आयु होता है वन बाय लेमडा लेमडा होता है छह नियतांक लोग क्या बोलते हैं छह नियतांक तो छह नियंत्र के व्युत्म जो होता है वो औसत आयु या माद आयु कहलाता है ठीक है निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है अब इसमें चार ऑप्शन देख रहे हैं कौन आवेशित नहीं होगा तो फोटोन जो होता है फोटोन आवेशित नहीं होता क्योंकि फोटोन प्रकाश का कण है और इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है अल्फा कण पर आवेश होता है तीन दशमलव दो गुना दस का माइनस उन्नीस कुल यानी यह धनावेशित होता है बीटा कण जो होता है वो ऋणावेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही बीटा कण पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन भी ऋण है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं किसी नमूना का परमाणु क्रमांक जेड तथा द्रव्यमान संख्या ए है इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या का अंतर होता है द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटाने पर न्यूट्रॉन संख्या आएगा यानी इसका सही जवाब होगा ए माइनस जेड आप सिर्फ देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा नाभिकीय विक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि क्या है नाभिकीय विक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि ये तीनों हैं कुल आवेश रेखीय संवेग कोणीय संवेग यानी ये सभी जो है संरक्षित संरक्षण नियम का पालन करते हैं यानी इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी इनमें से कौन आवेश रहित है यानी ये चार ऑप्शन में कौन ऐसा है जिस पर आवेश नहीं होता है तो अल्फा कण, बीटा कन, फोटोन कण या प्रोटोन तो बच्चों अल्फा कण धनावेशित होता है जिस पर आवेश तीन दशमलव दो गुना दस के बार मैंने सुना होता है बीटाकन ऋणावेशित होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश होता है फोटोन कण आवेशहीन है और इसीलिए इसका सही जवाब होगा फोटोन कन प्रोटोन जो होता है उस पर आवेश होता है एक दशमलव छः गुना दस के पावर माइनस उन्नीस कोलाम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे हम अर्ध आयु कहते हैं जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे हम क्या कहते है? हैं अर्ध आयु कहते हैं नेक्स्ट आते हैं बच्चों बीटा किरण कहाँ बिक्षेपित होता है तो बीटा किरण जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है किसमें विक्षेपित होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अल्फाकन भी जो होता है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र में विच्छेदित जबकि गामा किरण जो है ना तो विद्युत क्षेत्र में विच्छेदित होता है और ना ही चुंबकीय क्षेत्र में विच्छेदित होता है मेमोरी में रखते जाइएगा सिर्फ कहाँ पीछे भी है बीटा किरण तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में इसका सही जवाब डी होगा उन्नीस नंबर आते हैं निम्नलिखित किसकी महत्तम वेधन क्षमता होती है देखिए सबसे महत्तम वेधन क्षमता गामा किरण की होती है और सबसे अधिक आयन क्षमता अल्फा किरण की होती है सबसे महत्तम वेधन क्षमता किसका होता है गामा किरण का इसमें सबसे महत्तम वेधन क्षमता हो जाएगा गामा किरण का ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आइए थोरियम नब्बे दूसौ तीस नब्बे तीस के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगा तो न्यूट्रॉन की संख्या देखिए निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा दीजिए तो दूसौ तीस में नब्बे घटा दीजिए तो इसका सही जवाब होगा एक सौ चालीस ठीक है 230 में से नब्बे घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 140 इसका सही जवाब होगा न्यूट्रॉन की संख्या अगर कह देता इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल निकालने या प्रोटोन की संख्या निकाल निकालने तो ये जितना परमाणु संख्या देख रहे हैं यानी नब्बे उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन संख्या और उतना ही होता है प्रोटोन की संख्या समझ में आ वाली बात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए इक्कीस नंबर जो है कथन का कथन है कथन फर्स्ट है सभी नाभिक समान आकार के नहीं होता है सही बात है सभी नाभिक समान आकार का नहीं होता है सभी के सभी नाभिक का आकार अलग अलग होता है क्योंकि सभी नाभिक में प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो अलग अलग होता है ठीक है यानी सभी नाभिक जो है समान आकार का नहीं होता है ये जो है कथन सही है कथन दो आते हैं नाभिक का आकार परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है सही बात है नाभिक का आकार जो है वो परमाणु द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है क्योंकि आर बराबर आप लोग सुने होंगे आर नॉट ए का पावर वन बाय थ्री ठीक है आर अब आर नोट ए के पावर वन बाई थ्री आर नोट जो होता है वन पॉइंट टू फर्मी होता है ए जो है वो द्रव्यमान संख्या है और आर जो है रेडियस है ठीक है किसका था नाभिक का तो आर आर नोट एक का पावर बाय थ्री होता है तो नाभिक का आकार परमाणु द्रव्यमान निर्भर करता है यानी ये भी सही है तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ कर रहा है सभी नाभिक समान आकार के नहीं होता तो ये अलग बात हो गया ये अलग बात होता है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या एक दूसरे का सॉरी क्या कर रहे हैं सभी नाभिक समान आकार के नहीं होता है यानी ये भी सही कथन है और नाभिक का आकार परमाणु द्रव्यमान निर्भर करता है यानी ये भी सही है यानी दोनों कथन सही है और व्याख्या भी हो रहा है एक दूसरे से रिलेटेड है नाभिक का आकार समान नहीं होता है सही बात है क्योंकि नाभिक आकार का द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है व्याख्या भी हो रहा है और साथ में आपको आ, क्या कहते हैं दोनों कथन सही भी है तो इसका सही जवाब होगा ए एक जो है इसका सही जवाब होगा क्योंकि दोनों कथन सही इसलिए हुआ क्योंकि नाभिक का आकार जो है सभी का अलग अलग होगा और दोनों अति आकार जो है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है इसलिए जो है दोनों कथन सही है वो व्याख्या भी हो रही है क्वेश्चन नंबर बाईस आते हैं नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होती है सही बात है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में सूर्य में कौन सी क्रिया होती है नाभिकीय संलयन समझे बात नाभिकीय संलयन जो होता है वो किस में होता है सूर्य में होता है ठीक है अच्छा हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन से करता है नाभिकीय विखंडन पर जो है वो परमाणु बम काम करता है परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है समझे बात तो कथन एक है नाभिकीय संलयन में ऊर्जा मुक्त होती है ये बात भी सही है और संलयन की प्रक्रिया के बाद उत्पाद कुल बंधन ऊर्जा मूल अभिकारक के कुल बंधन ऊर्जा से कम होता है सही बात है तो उत्पाद का कुल बंधन ऊर्जा जो है अभिरा अभिकारक के बंधन ऊर्जा से कम होता है <illustrates Freudiye anyway> अभिकारक हुआ जो कि भाग लिया रिएक्शन में जो भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं और जो रिएक्शन के बाद प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं तो अभिकारक का बंधन ऊर्जा ज़्यादा होता है और उत्पाद की बंधन ऊर्जा कम होता है इस कारण से क्योंकि जब नाभिकीय संलयन होता है ना तो जब वो नाभिकीय संलयन होता है तो उस क्रिया में जो है कुछ ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है द्रव्यमान का जो है कुछ ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है इस कारण से जो है उसका जो है कुछ न कुछ ऊर्जा घट जाता है बन्ना ऊर्जा बात कि ना समझे तो इसका सही जवाब जो होगा ए होगा दोनों कथन सही है लेकिन कथन दो जो है कथन एक की सही व्याख्या करता है इसका सही जवाब क्या होगा ए नंबर होगा दोनों कथन सही भी है और कथन दो जो है कथन एक की व्याख्या भी करता है चलिए पच्चीस नंबर आते हैं अर्ध आयु काल यानी टी हाफ एवं छह नियतांक में संबंध है तो अर्ध आयु बराबर आप लोग सुने होंगे जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन बटे लेमडा इसका सही जवाब होगा ये जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन बटे लेमडा या वन नहीं दिया है कोई बात नहीं है इसका सही जवाब होगा ए अर्ध आयु बराबर होता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन बटे लेमडा लेमडा को हम लोग छह नियतांक कहते हैं अब बटे में अगर लेमडा है तो उसको गुना में हम माध आयु या औसत आयु भी लिख सकते हैं तो अर्ध आयु का फॉर्मुला होता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन बटे लेमडा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आता है निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है हम आपको समझा देंगे तो बढ़िया से याद हो जाएगा बुक तो सबके पास होगा लेकिन समझा देंगे तो खट से याद हो जाएगा और बुक पढ़ने का फुर्सत अब कहाँ है मोबाइल से देख लीजिए खिलाफ निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है तो कण जो तो होता है वो हीलियम नाभिक हो जा जैसा होता है दो चार होता है ना हीलियम दो चार तो इसका सही जवाब होगा सी निम्नलिखित तो में कौन समीकरण सही है अब इसमें देखिए इस कौन समीकरण सही है यूरेनियम बिरानवे दो सौ अड़तीस है यूरेनियम नब्बे दो सौ चौतीस ये तो सॉलिटे गलती है क्योंकि परमाणु संख्या जब चेंज हो जाएगा तो यूरेनियम कैसे यूरेनियम रह जाएगा ये देखिए यूरेनियम बिरानबे दो सौ अड़तीस जब एक अल्फ़ाकन का उत्सर्जन होता है तो हीलियम बन जाता है और क्योंकि हीलियम नाभिक जैसा होता है ना अल्फाकन और नब्बे दो सौ चौतीस थोरियम यानी इसका सही जवाब बी होगा ठीक है कौन सा समीखा सही है ये ये सब सही नहीं है यूरियम है थोरियम हो गया नब्बे दो कर दिया अब देखिए हम आपको बताएं जब अल्फा अल्फाकन का उत्सर्जन होता है एक ठो तो क्या होता है परमाणु संख्या दो घटता है द्रब्य संख्या चार घटता है तो ये सब तो है गड़बड़ वाला बात लिख दिया है ना निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है तो ई बड़ा एम सी स्क्वायर बच्चे जानते होंगे ई बराबर एम सी स्क्वायर तो आज के लिए बस इतना ही फिर कल आपको बताएंगे दूसरा चैप्टर जय हिंद अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और चैनल पर अगर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दें जय हिंद जय भारत